बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के शिवनगर गांव के माधव स्थल परिसर में आयोजित दो दिवसीय 40वां जानकी नवमी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन बीते मंगलवार की रात पूर्व मंत्री व झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा, बेनीपुर के जदयू विधायक विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय और MLC घनश्याम ठाकुर ने किया। इस दौरान पूर्व मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि यहां पिछले 40 सालों से जानकी महोत्सव का आयोजन होना काफी गौरव की बात है। शिवनगर गांव के निवासी बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति व वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय पंडित ताराकांत झा के द्वारा अपने गांव में जानकी महोत्सव की शुरुआत किया जाना सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनका यह प्रयास रहेगा कि जब वे अगली बार जानकी महोत्सव में भाग लेने के लिए यहां आए तो इसका स्वरूप राजकीय महोत्सव का हो। बिहार सरकार से उनके द्वारा शिवनगर में जानकी महोत्सव का राजकीय महोत्सव को दर्जा दिए जाने की मांग की गई। वहीं जनाधिकार पार्टी लोक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि माता जानकी सिर्फ मिथिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य एवं देश सहित विदेशों में भी पूजी जाती है। माता जानकी से संपूर्ण विश्व में मिथिला की एक अलग पहचान है। अगर यूपी में राम का अयोध्या हो सकता है तो बिहार में सीता की अयोध्या क्यों नहीं, बिहार में भी सीता का अयोध्या होना चाहिए। MLC घनश्याम ठाकुर ने कहा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में जगत जननी माता जानकी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। माता जानकी हमारी संस्कृति व संस्कार की पहचान व जननी है। दरभंगा जिले के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय ने कहा कि जानकी हमारी धरती की बेटी है। भगवान श्री राम के साथ ही माता जानकी की जय बोलना हमारे लिए जरूरी है। पूर्व मंत्री व बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि माता जानकी सीता सावित्री थी। माता जानकी के बिना भगवान श्री राम की कृति अधूरी है। मिथिला की सभी नारियों में माता जानकी का वास है। कार्यक्रम में आने वाले नेताओं ने मंच पर चढ़ने से पूर्व यहां स्थापित माता जानकी की दिव्य व भव्य मूर्ति का पूजा अर्चना और दर्शन की। आयोजन समिति की ओर से आगंतुक सभी अतिथियों को मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग दोपाटा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता रणधीर ठाकुर, शंकर झा, जानकी महोत्सव के अध्यक्ष संतोष कुमार झा, सतीश कुमार झा, मोनू, डॉक्टर अयोध्यानाथ झा, काशीनाथ झा मंगल, अनिल झा छोटन, समीर झा, पुनीत लाल महतो, अवधेश मिश्रा, रोशन झा, राजू झा लड्डू, मुरारी झा, संजीव झा, विक्रम अनुकेश, अच्छे आनंद सनी, रविंद्रनाथ झा, सुमंत कुमार, दीपक झा, मंटू, रचना झा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। वहीं उद्घाटन सत्र के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि गोष्ठी में मैथिली के प्रसिद्ध कवि उदय चंद्र झा विनोद, वंशीधार मिश्र, अजीत आजाद, अशोक मेहता, फूलचंद्र नवीन, दिलीप कुमार झा, अवधेश झा, कमलेश प्रेमचंद्र, मनोज कामत, आनंद मोहन झा, मैथिली प्रशांत, रंगनाथ ठाकुर आदि ने अपने काव्य पाठों से श्रोताओं का मन मोह लिया। कवि गोष्ठी की अध्यक्षता उदय चंद्र झा विनोद ने की, वही संचालक अजीत आजाद ने किया। मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। आज भी मैं ताराकांत झा जी के इस घर गांव में आकर जो मेरे कई बार केस को लड़े मेरे पिता के अच्छे मित्र थे, मुझे आज वो नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उस पल को याद करने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि जो आदमी मेरे लिए 11 दिन पूर्णिया में किस तरीके से पप्पू यादव के लिए हर ब्राह्मण और हर कई गाँव में जा करके हाथ और पैर पकड़ा था कि पप्पू से अच्छा कोई नहीं, जन क्रांति और वह व्यक्ति के गांव में और माँ सीता जानकी जो हम सब के बीच से धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। हम हरे राम हरे कृष्णा सब की बात करते हैं। हम सीता को एक सिंबॉलिक रख दिए हैं लेकिन उनके जीवन को हम और रेस्पेक्ट को हम खत्म करते जा रहे हैं। आपने इस रेस्पेक्ट को यहाँ जिंदा रखा है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यदि राम का अयोध्या हो सकता है तो सीता का अयोध्या भी बिहार में बननी चाहिए। मैं यही कहूँगा, हम सब को मिल करके चाहे वो सीतामढ़ी में बने चाहे जहाँ भी हो, हमें भी सीता की दिव्यता के साथ एक बड़े सीता अयोध्या की कल्पना करते हुए हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम अपनी संस्कृति और उस माँ की रचना को अपने जीवन से दर्शन से ना जाने दें, इसके लिए उन्हें पल पल हमारे जीवन में रहना हमारे जीवन को रोमांचित करेगा, इसीलिए उनकी चीज़ों को खड़ा रहना ही हम सबका दायित्व बोध है, कर्तव्य है। हम सब मिलकर करें, यह मंच हमेशा विराट समाज निर्माण की भूमिका में आगे बढ़े। आपका अतिथि देवो भव, आप मेरे लिए अतिथि हैं। मिथिला और मैथिली हमारे जीवन हमारी भाषा और हमारे रिश्ते को जोड़ता है, हमारे प्रेम को जोड़ता है। हम कहीं मिलते हैं, हमारे गांव में जब हम
किसी बाहर में और कोई कहता है कि हाल से कदर से लो गाँव से ये, वो तो वहाँ लगता है कि हमको कोई भगवान मिल गया। तो ये जो हमारी भाषा है हमें गौरवान्वित भी करता है और हमें कॉम्प्लेक्स से दूर भी करता है और बड़े और छोटे के बोध को कम भी करता है। इसीलिए भाषा का रेस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। बचा मिथिला, मैथिली को जिंदा रख लीजिएगा और मैथिली कल्चर को, तो फिर मिथिला के भाव को विराट समझ पाइएगा। मैथिली कोई छोटी और भोजपुरी नागपुरी कोई छोटा दर्शन और भाव। तो हम हमेशा समझने का प्रयास किए कि हम लोग हैं कौन, हम आए कहाँ से और हमारा खून अलग तो है नहीं। फिर और ईश्वर को भी हम नहीं समझ पाते हैं। यदि मैं मान लो, चूंकि मेरे पास कोई बहुत विवेक नहीं है, मैं सरल आदमी हूं, विज्ञान और अध्यात्म के मुताबिक 10,00,000 वर्ष पहले सृष्टि के निर्माण की भूमिका किसी ने तय की एक बिंदु से, और 1,25,000 वर्ष पहले चिंपांजी और बंदर के बाद हम मानवीय निर्माण की भूमिका में आकार में आए और हमारी सभ्यता का विकास की शुरुआत भी विज्ञान का दर्शन भी और अध्यात्म का भी जो हुए है, उससे हमें लगता है कि हम आए कहाँ से। लगता है हम तो एक ही परिवार है। फिर ये हम सबके का जीने का तरीका या विचार अलग अलग कुछ हो सकते थे, लेकिन रिश्ते कैसे हो गए। हमने ईश्वर को समझने की कोशिश करने लगे, ईश्वर क्या है, तो हमको लगा ईश्वर को नहीं समझना चाहिए, ईश्वर को समझने में खतरा पैदा है, बस हमको माँ को समझ लेना चाहिए। माँ के 3 बच्चे, एक डॉक्टर, एक लंगड़ा, एक डकैत, माँ तीनों से प्यार करती है। फिर जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने एक खूबसूरत चीज को बनाया, तो ईश्वर। मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।